हम जो बात कर रहे थे रिजर्व रेशियो की बात करी, ओपन मार्केट ऑपरेशन की, अब रेट्स पे आते हैं कि ये बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, एमएसएफ एंड एलएफ, ये सारी चीजें क्या है। बैंक रेट से शुरू करते हैं। कोई बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए उधारी में पैसा लेता है, उधारी में पैसा लेगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक। तो वो जो ब्याज देना पड़ता है राजन, ये मैडम को, राजन भाई को जो ब्याज देना है उसको बोलेंगे बैंक रेट। लॉन्ग टर्म लोन दी जा रही है और सामने जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है बैंक के द्वारा। अब आप देखिए, मैं और आप भी लॉन्ग टर्म के कुछ लोन तो लेते हैं, होम लोन ले लिया मान लीजिए कि कोई कार लोन या फिर बिजनेस लोन, तो जब अगर हम रीपे नहीं करेंगे अपना लोन तो क्या होगा, अपनी एसेट्स को वो लोग ले लेंगे, उसकी ऑक्शन की जाएगी, नीलामी की जाएगी। क्या इस केस में ऐसा होता है कि राजन भाई ने बोल दिया कि इतनी गाड़ियां मुझे मेरे सामने गिरवी रखो, इतनी आपके ब्रांचेस वो मेरे सामने रखो, या फिर इतने आपके आदमी मेरे गुलाम बन जाएंगे? नहीं, मतलब कि कोलेटरल इज नथिंग, यहां मॉर्टगेज या कोलेटरल या गिरवे कुछ भी रखना नहीं है बैंक ने, सीधा ये लॉन्ग टर्म में लोन लेना है, हाँ दे दिया और इतना ब्याज आपने पे करना है, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। अब बैंक रेट की मदद से महंगाई को काबू में लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, महंगाई को अगर काबू में लेना है तो मनी सप्लाई को क्या करना है, मुझे बढ़ाना है, कम करना है? कम करना है, ठीक। तो इस केस में क्या करेंगे राजन भाई, मान लीजिए पहले एक सिनेरियो ऐसा था कि 3% बैंक रेट पे वो देते थे लॉन्ग टर्म में लोन बैंक, और एसबीआई और किसी भी बैंक में नीचे से डिपॉजिटर कोई पैसा दे नहीं रहा है, ये जो मैडम है केवल राजन भाई से उधारी में पैसा लेके आगे चला रही है, तो स्वाभाविक है कि यहां अगर राजन भाई 3% में देंगे तो मैडम वहां पे 5% पे दे रही होगी, ठीक, उनका भी बीच में मार्जिन कुछ बनना चाहिए। तो अब महंगाई कम करने के लिए राजन भाई क्या करेंगे, ये 3% से बढ़ा के 36% कर देंगे, तो बैंक क्या करेगी, मैडम उसे 36 से 48 पे कर देंगी कि अगर आपने बाइक खरीदना है तो 48% लोन, और उस केस में तो फिर एक बेवकूफी होगा जो लोन का पैसा लेगा, तो अपने आप क्या होगा, डिमांड विल डिक्लाइन, और डिमांड कम हो जाएगी तो जो मैंने बोला था कि ये रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल से जो बड़े बड़े कंपनियों वाले हेकड़ी में घूमते हैं उनकी हेकड़ी थोड़ी कम हो जाएगी और महंगाई अपने आप काबू में आ जाएगी, ठीक है। ये तो दिमाग में कंसेप्ट बनाने के लिए कोई एक्सट्रीम सिचुएशन, कॉमिक सिचुएशन बनाना पड़ता है। हम अपना टेबल वापस अपडेट कर लेते हैं। महंगाई से लड़ना था सीआरआर एसएसएलआर यूज करेंगे तो क्या करना था, उन्हें सीआरआर एसएसएलआर बढ़ाओ, महंगाई से लड़ लिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, राजन भाई ने अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करना है, बैंक रेट में राजन भाई को क्या करना चाहिए, बैंक रेट को भी बढ़ाना चाहिए, तो फिर महंगाई ऐसे कम होगी। आपने यहां तक टेबल याद कर लिया तो फिर बाकी का टेबल तो ऑपोजिट ही लिखना है, यहाँ पे डिक्रीज बाय, और बैंक रेट में क्या करना है, डिफ्लेशन से लड़ना है तो बैंक रेट को आपने कम कर देना चाहिए, डिक्रीज कर देना चाहिए। एनीवेज, ये बैंक रेट आजकल जो महंगाई काबू में करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है उसके अंदर बैंक रेट को वो मेन टूल बना के वो नहीं चलते हैं कि हम बैंक रेट में इतना बदलाव करेंगे और महंगाई से लड़ेंगे। इट इज नॉट द मेन टूल टू कंट्रोल द मनी सप्लाई और द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। जो इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है, रेपो रेट। तो फिर सवाल होता है कि ये बैंक रेट बनाने की जरूरत क्या थी। एक तो काम है कि लॉन्ग टर्म किसी बैंक को लोन में पैसा चाहिए, दे दिया। सेकंड, आरबीआई के पेनल्टी के रेट सारे बैंक रेट के साथ लिंक किए गए हैं, समझते हैं। मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि फ्राइडे, फोर्टनाइट फ्राइडे पे ये सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना है बैंक ने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 करोड़ थे तो 4 करोड़ और 22 करोड़। अगर कोई बैंक इस टाइमलाइन में इतने पैसे रिजर्व में नहीं रखता है तो जितने पैसे उसने नहीं रखे हैं उतने पे उस पर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी, पहली बार पकड़ा गया तो बैंक रेट प्लस 3%, तो मान लीजिए अगर बैंक रेट 9% होगा तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 12%, 9 + 3 = 12। रिपीट ऑफेंडर पे पेनल्टी फिर बढ़ती जाएगी, बैंक रेट प्लस 5%, कितना होगा, 9 + 5 = 14, और फिर कोई अठंग गुनेगार है तो क्या होगा, फिर तो उसका लाइसेंस ही अपने को कैंसिल कर देना पड़ेगा, है ना। एनी, तो क्या है, आरबीआई के पेनल्टी रेट किसके साथ लिंक किए गए हैं, बैंक रेट के साथ लिंक किए गए हैं। एमसीक्यू के लिए इतना फैक्ट हमने याद रखना है। हम वापस थोड़ा रिकैप कर ले, सीआरआर क्या था, एनडीटीएल था ऊपर, उसमें से कुछ पैसा आपने एक तरफ रखना है, किसी को लैंड नहीं करना है, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। एसएलआर हमने समझा, सिक्योरिटीज गोल्ड कैश में रखना है, कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। फिर हमने देखा बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई बैंक आरबीआई से पैसा उधारी में लेती है तो बैंक ने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस लोन पे कोई कोलैटरल देना है,
नहीं देना है, कुछ गिरवे नहीं रखना है, ऐसे ही आपको लोन मिल जाएगा। अब जो ये बचा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये बनता है एक नई सिस्टम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, और उसके बाजू में है MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इन तीनों पे हम आगे बढ़ते हैं। LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आप शब्द देखिए, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट मतलब जो मैंने आपको पहले भी बताया कि राजन भाई के पास पैसा आएगा और दूर पैसा जाएगा तो कैसे वो लिक्विडिटी बढ़ती है कम होती है, वो सारा काम राजन भाई कैसे करते हैं, रेपो रेट को एडजस्ट करके। रेपो रेट का मतलब क्या है, ये तो आपने भी तैयार किया ही होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कि जब कोई बैंक RBI से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, तो लोन लिया है तो कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा, जो ब्याज दिया जाता है वो क्या है, रेपो रेट है। ठीक, रियल लाइफ में थोड़ा ये अलग है। मैडम को मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए चाहिए शॉर्ट टर्म में, 7 दिन 14 दिन कुछ इमरजेंसी आ गई है, डिपोजिटर्स पैसा नहीं दे रहे हैं या कोई भी कारण, तो मैडम क्या करेंगी, गिरवे यहां पे कुछ रखना पड़ेगा। इस केस में मैडम अपनी सिक्योरिटीज बेच देंगी राजन भाई को 100 करोड़ में, तो राजन भाई क्या करेंगे, 100 करोड़ कैश में दे देंगे। लेकिन साथ ही साथ मैडम एक कागज पे साइन करेंगी कि मैं ये वाली फाइल्स या यही सिक्योरिटी आपसे 7 दिनों के बाद वापस खरीद लूंगी 108 करोड़ रुपए में। अब आप सोच के बताइए कि राजन भाई को कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 8%। तो ये क्या हुआ अपना रेपो रेट। रेपो का मतलब होता है रिपर्चेज अग्रीमेंट। इस केस में मैडम ने क्या किया है, अब खुद तो सिक्योरिटी बेची लेकिन वही वाली सिक्योरिटी वापस रिपर्चेज करने का एक प्रॉमिस दिया, तो इस कारण से इसको बोला रेपो रेट। और कोलेटरल यहां पे कुछ है, हाँ ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट। अगर किसी केस में पैसा नहीं आया तो राजन भाई के पास ये सिक्योरिटी तो है कि किसी को बेच के थोड़ा पैसा रिकवर किया जा सकता है। बैंक रेट के अंदर कोई कोलेटरल था नहीं, यहां पे है, लेकिन एक शर्त है कि मैडम ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके आई वो SLR कोटा वाली सिक्योरिटीज नहीं यूज कर सकती। उसमें वापस रिकैप करते हैं, जनता ने पैसा जमा किया था, टाइम लाइबिलिटीज डिमांड लाइबिलिटीज कुल मिला के NDDL निकाला था अपने को 100 करोड़, 100 करोड़ में से 4 करोड़ CRR में गए, 22 करोड़ SLR में गए। ठीक, अब SLR में मान लीजिए 22 करोड़ की मैडम ने सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही खरीद के रखी थी, तो वो वाली सिक्योरिटी यूज करके फिर वापस मैडम RBI से उधारी में पैसा नहीं ले सकती। ये कोटा में जो पड़ी है वो तो ऐसे ही रहने दो। इसके अलावा अगर मैडम ने कहीं से खरीद के या लाके रखी हो तो वो सिक्योरिटी देके वो चाहे तो रेपो रेट से शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर सकती है। ठीक है, खास फीचर ये रहेगा रेपो रेट के अंदर, कोलेटरल में क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन ये SLR कोटा वाली सिक्योरिटीज आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, मान लीजिए कोई ऐसी आपके पास पैर में सिक्योरिटी पड़ी भी नहीं, और मान लीजिए 20 तारीख चल रही है, कोई डिपॉजिटर पैसा भी नहीं दे रहा है, और अचानक से कुछ फायर फाइटिंग आ गया और आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए, तो ऐसे केस में बैंकों को मदद करने के लिए कि ठीक है यहाँ पे ये SLR कोटा में से थोड़ी सिक्योरिटी आप गिरवे रखिए और मैं आपको शॉर्ट टर्म में लोन देता हूं, ऐसा अगर राजन भाई बोले तो उसको बोलते हैं MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फर्क समझते हैं कि रेपो रेट और MSF में फर्क क्या है। पहला फर्क, रेपो रेट के अंदर उधारी में जो शॉर्ट टर्म में पैसा लेने को जाता है मिनिमम उसका ऑर्डर होना चाहिए 5 करोड़। ऐसा नहीं कि फिर मैडम ये बोले कि हमारा वो लाइट बिल 3000 का है और अभी आप दे दीजिए फिर मैं 7 दिन में कैसा नहीं, मिनिमम कितना होना चाहिए ऑर्डर, 5 करोड़ होना चाहिए। सेकंड, RBI के सभी क्लाइंट्स एलिजिबल है, मतलब बैंक वाले उधारी में ले सकते हैं, हाँ उसके अलावा भी RBI के बहुत सारे क्लाइंट है, यूनियन गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, सभी बैंक्स तो हैं, उसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फॉर एग्जांपल ये LIC है, UTI है, EPFO है, और कुछ प्राइमरी डीलर गोल्डमैन सैक्स वगैरह उन्होंने अगर लाइसेंस लेके रखा है, ये सभी लोग चाहे तो रेपो रेट में शॉर्ट टर्म में आके पैसा उधारी में ले सकते हैं। तो अब से आप जब भी डेफिनेशन बोले या लिखे या चेक करें तो क्या याद रखेंगे, रेपो रेट का मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में बैंक लोन रही है, नहीं, शॉर्ट टर्म में RBI का कोई भी क्लाइंट लोन ले रहा है तो देन रेपो रेट का फंडा यूज किया जाता है। अब उसके सामने MSF के अंदर ऐसा है नियम कि मिनिमम 1 करोड़ या उससे ज्यादा की आपको इमरजेंसी में चाहिए तो हम आपको उधारी में पैसा शॉर्ट टर्म में देंगे। सेकंड, यहां पे RBI के सारे क्लाइंट्स नहीं आ सकते, केवल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स
ये लोग ही उधारी में पैसा ले सकते हैं। अब सवाल होता है ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये चीज क्या है। एक है कानून आरबीआई एक्ट 1934। अब कानून है तो उसमें कुछ सेक्शन होंगे, चैप्टर्स होंगे, वापस अंत में कुछ शेड्यूल होगा। सेकंड नंबर का उसका शेड्यूल, वहां पे एक बड़ा सा लिस्ट दिया गया होगा सभी बैंकों का। उस बैंक, उस लिस्ट के अंदर जिस बैंक का नाम है उसको हम बोलेंगे शेड्यूल बैंक। और शेड्यूल बैंक के अंदर कमर्शियल बैंक को क्लासिफिकेशन में हम समझेंगे कि कमर्शियल बैंक चीज क्या है। ऐसी बैंक के फीचर दो होते हैं। फर्स्ट, इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है? 5 लाख रुपए। और सेकंड, ये सभी दे प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर डिपॉजिटर्स। तो मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक का फंडा क्या है? एक तो आरबीआई एक्ट में कहीं पे उनका नाम लिखा है, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है? 5 लाख। और अपने सारे डिपॉजिटर्स के हित की वो रक्षा करेंगे। ऐसी बैंकों को ही ये फायर फाइटिंग में अलग से एमएसएफ विंडो के जरिए राजन भाई लोन में पैसा देते हैं। आगे फर्क, रेपो रेट में हमने देखा कि बैंक उधारी में पैसा ले तो पाएगी लेकिन एसएलआर कोटा वाली जिसे गिरवे नहीं रख सकती। यहां रेपो रेट के अंदर कोई लिमिट नहीं है, 5 करोड़ या उससे ऊपर जितना आप बोरो कर सके, लेकिन शर्त की उतनी गिरवी रखने को आपके पास जीसेक होनी चाहिए। एमएसएफ में क्या है, यहां पे बैंकों को छूट दी गई है कि हाँ एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं कि सारे 22% सभी सिक्योरिटी आप गिरवे रख दे। कुछ लिमिट्स हैं कि आपका एनडीटीएल जितना है उसके 75% उतनी ही आप गिरवे रख सकते हैं। हम समझे, वापस चार्ट रिकैप करते हैं। जनता ने पैसा दिया, एनडीटीएल बना 100 करोड़, 100 करोड़ के 22 करोड़ एसएलआर यहां पे रख दिए। अब आप सोचिए कि ये मजूरी करवाने का ओरिजिनल पर्पस क्या था, कि जब बैंक रन हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये क्या है, अपना बैकअप। ठीक, अगर अब यही वाले सिक्योरिटीज अगर मैडम किसी तीसरी पार्टी को या आरबीआई को ही उधार गिरवे रख के वहां से उधार करके तीसरा गेम खेल रही है, तो वो अपना ओरिजिनल पर्पस डिफीट हो जाता है कि ये तो बैकअप में है, इसको छूना हमने नहीं है, राइट। इस कारण से यहां पे लिमिट क्या रखी कि एमएसएफ के अंदर आप अगर बोरो करना चाहें तो एनडीटीएल के 0.75% ही, मतलब अगर 100 करोड़ है तो उसका 0.75% होगा कितना, 75 लाख रुपीज। मतलब यहां मान लीजिए मैडम के पास 22 करोड़ की जीसेक पड़ी है तो भी वो 75 लाख की ही गिरवे रख के एमएसएफ के जरिए बोरो कर सकती। एमएसएफ का मेन पर्पज इमरजेंसी फायर फाइटिंग, की सारे दरवाजे बंद हो गए और कोई काम करना है, देन यू कैन यूज एमएसएफ। रेपो रेट हमने समझ लिया, एमएसएफ समझ लिया, रिवर्स रेपो रेट पे आते। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रेपो रेट का उल्टा है कि अगर राजन भाई अपने क्लाइंट से उधारी में पैसा ले शॉर्ट टर्म के लिए, तो राजन भाई को भी क्या करना होगा, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, उधारी में लिया है तब जो पैसा पे किया जाएगा वो होता है रिवर्स रेपो रेट, जो इंटरेस्ट रेट बनता है। इट इज द इंटरेस्ट रेट पेड बाय आरबीआई टू इट्स क्लाइंट्स फॉर द शॉर्ट टर्म लोन्स। यहां भी गिरवे क्या रखेंगे, जीसेक रखेंगे, ठीक है, जो पहले इमेज था उल्टा हो जाएगा। इस बार राजन भाई आपको बोलते हैं कि चलो मैं आपको 100 करोड़ की सिक्योरिटी अपनी बेचता हूं, आप मुझे पैसा दो और मैं अग्रीमेंट पे साइन करूंगा कि यही वाली सिक्योरिटी आपसे कुछ समय बाद में 107 में या 108 में खरीद लूंगा और आपका इस प्रकार से प्रॉफिट बन गया, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। यहां पे भी आरबीआई के सभी क्लाइंट्स एलिजिबल हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। कोलेटरल यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन गिरवे कौन रख रहा है, राजन भाई रख रहे हैं कि ये क्लाइंट्स रख रहे हैं? राजन भाई गिरवे कुछ रख रहे हैं, ठीक। 2011 से एक नियम बनाया गया कि रेपो रेट जितना हो रिवर्स रेपो रेट उससे 1% हम कम रखेंगे या फिर 100 बेसिस पॉइंट कम रखेंगे। 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट। तो अब दिसंबर 2014 में ये रेपो रेट अपना 8% था तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब वापस हम आए अपने, जो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, रेपो रेट हमने देख लिया। एमएसएफ क्या है, उससे सामान्य रूप में रेपो रेट से 1% उसको ज्यादा रखा जाता है। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन या जब राजभाई को लगे कि ये बैंक वाले कुछ ज्यादा ही इसमें उधारी में ले रहे हैं तो वो ज्यादा उसका रेट बढ़ा देते हैं। बट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस क्या होता है, रेपो रेट उसमें +1 डालो तो मिलेगा एमएसएफ, -1 करो तो क्या मिलेगा, रिवर्स रेपो रेट। अब आरबीआई जब भी चाहती है कि मुझे मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो वो चेंज क्या करते हैं, रेपो रेट। और इसी कारण आरबीआई का पॉलिसी रेट क्या है, रेपो रेट, क्योंकि इसी की मदद से वो महंगाई को या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
तो कई बार न्यूज़पेपर में ये बोलते हैं कि रेपो रेट कम किया गया, कई बार ये बोलते हैं कि पॉलिसी रेट कम कर किया गया, बात एक ही है, पॉलिसी रेट मीन्स रेपो रेट, ये दोनों तो उसके साथ लिंक है, मतलब यहां अलग से कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। अगर ये 8% होगा तो एमएसएफ हो जाएगा 9% और ये हो जाएगा 7%, ठीक है, वो दोनों ऊपर नीचे अपने आप हो जाएंगे। अब न्यूज़पेपर ये जो मैंने बोला कि 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट्स, दिसंबर तक ये अपना रेपो रेट चलता था 8%, अभी कल ही राजन भाई ने उसके अंदर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, तो सोच के बताइए कि नया रेपो रेट क्या होगा, 7.75 होगा। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, 0.25%, फिर वो माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये अपना क्या है, नया रेपो रेट है। अगर रेपो रेट या पॉलिसी रेट की मदद से हमने महंगाई से लड़ना हो तो क्या करना चाहिए, वही वाला कंसेप्ट, मनी सप्लाई को कम करना चाहिए। फर्स्ट सिचुएशन मान लीजिए ऐसी थी कि रेपो रेट 8% था, मैडम को और कोई पैसा दे नहीं रहा है, डिपॉजिटर्स उनके पास कोई है नहीं और वो यही वाला पैसा आगे लोन में दे रही है, और कार लोन मान लीजिए कि चल रही थी 13% इंटरेस्ट रेट पे और कार का प्राइस था 1 लाख रुपीज। अब महंगाई से लड़ने के लिए राजन भाई क्या करेंगे, 8 से बढ़ा के मान लीजिए रेपो रेट कर दिया 18, तो मैडम भी अपना मार्जिन मेंटेन करने के लिए मान लीजिए लोन कर दिया 36%, तो अपने आप फिर महंगाई कम हो जाएगी, सॉरी पब्लिक पहले से कम कार खरीदेगी तो कार बेकर्स क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा कम करेंगे, ये वो करके महंगाई काबू में आ जाएगी। तो वापस अपना हम टेबल अपडेट कर लें, इन्फ्लेशन से लड़ना है तो पॉलिसी रेट को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, और ये याद रह गया तो डिफ्लेशन तो हम उसका उल्टा ही लिखना है कि डिफ्लेशन से लड़ना है तो क्या करना चाहिए, पॉलिसी रेट को घटा देना चाहिए। पॉलिसी रेट को आप घटाएंगे तो क्या होगा, सस्ते ब्याज में दूसरी बैंक वाले राजन भाई से पैसा लेंगे और वही पैसा आगे चलाएंगे तो लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े कम आएंगे, पब्लिक होम लोन ऑटो लोन पहले से थोड़ा ज्यादा लेगी और गुड्स एंड सर्विसेज का पहले से ज्यादा सेल बढ़ेगा और वापस धीरे धीरे मार्केट ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब तक पिछले कुछ समय में जो ट्रेंड चला रेपो रेट का, 2008 की बात करें तो तब रेपो रेट था 9%, फिर ये सब प्राइम क्राइसिस और ग्रीक के अंदर सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस, ये सब के कारण भारत में भी उसकी असर देखने को मिली, यहाँ पे भी वो सर्विस सेक्टर पर्टिकुलरली और एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर बहुत मंदी आ गई। अब ऐसे केस के अंदर लड़ने के लिए तब के गवर्नर ने क्या किया, अपना रेपो रेट अचानक से 9 से घटा के 4.75 कर दिया। इसका मतलब क्या है, अब अन्य बैंक आरबीआई से बहुत सस्ते दामों में सस्ते इंटरेस्ट रेट के अंदर बोरो कर सकते हैं और फिर क्या होगा, वो अपने ऑटोमोबाइल के सारे लोन है, होम लोन है, उन प्रोडक्ट्स का इंटरेस्ट रेट कम कर देंगी और फिर जनता ज्यादा खरीदारी पहले से शुरू करेगी तो धीरे धीरे वापस वो जो अपने इंडस्ट्री नीचे जा रही है वापस ऊपर आ जाए, ऐसा कुछ उनका आशय था। लेकिन उसके बाद महंगाई ने फिर बढ़ना शुरू कर दिया। महंगाई से लड़ना हो तो क्या करना चाहिए, रेपो रेट बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो तब के गवर्नर ने वो काम शुरू किया कि 4% था, धीरे धीरे बढ़ा के 6% 8% मैक्सिमम ले गए 8.5%। तब तक हम पहुंच गए 2011 के अंदर। फिर आरबीआई को ये लगा कि नहीं यार इतना हाई इंटरेस्ट रेट है तो वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि फिर लोग उतना बोरो कम करते हैं और फिर डिमांड कम होती है और डिमांड कम होगी तो क्या होगा, कंपनी वाले एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। अगर डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी वाले नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए लोगों को नौकरी पे रखेंगे, प्रोडक्शन अपना बढ़ेगा, जीडीपी इंप्रूव होता दिखेगा, ये सब कार्य नहीं हो पाएंगे। इस कारण से हमने थोड़ा रेपो रेट कम करने की जरूरत है, तो वापस उन्होंने कम किया, घटा देकर 7.5% पे आ गए। तब तक हम पहुंचे 2013 में। अब धीरे धीरे महंगाई बहुत ऊपर जा रही है, डबल डिजिट को क्रॉस करने की शुरुआत में है। स्वाभाविक है अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए, रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए ताकि काबू किया जा सके महंगाई को। तो 2013 के बाद से धीरे धीरे वापस बढ़ाना शुरू किया, 7.5 था तो 7.75 किया, 8% तक चले और फिर 2014 में पूरा 8% चलता ही रहा। राजन भाई ने जितनी बार मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट की थी बस 8% पे उन्होंने रेपो रेट को टिका के रखा, 8% से उन्होंने बढ़ाया भी नहीं, क्योंकि उनका ये मानना है कि फिर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कोई लोन नहीं लेगा, लोन के दर भी इतने होने चाहिए कि लोग कुछ खरीदारी करते रहे।
हम देखें अगर जुलाई 2014 से लेके नवंबर 2014 तक 8% ये चल रहा है अपना रेपो रेट, ठीक। अब इसी समय में महंगाई कितनी है, सीपीआई की बात करें धीरे धीरे कम आके 4.4 में थी नवंबर 2014 में, और WPI घटते घटते नवंबर में हो गया 0%। तो अब आप समझिए महंगाई नीचे आ रही है लेकिन रेपो रेट तो स्टेडी ही है। अगर इसके साथ ताल मिला के चलना हो तो क्या करना चाहिए राजन भाई को, थोड़ा रेपो रेट कम करना चाहिए। अगर थोड़ा रेपो रेट कम करेंगे तो क्या होगा, लोन के ब्याज दर भी नीचे कम होंगे, होम सेल बढ़ेगी, ऑटो सेल बढ़ेगी। अगर सेल बढ़ेगी तो फिर कंपनियां एक्सपांड करेंगी, नए लोगों को भर्ती करेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, GDP इंप्रूव होगा, ठीक है। तो जब महंगाई नीचे आ रही थी तो कई सारे इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर, इन सबका ये बोलना था कि आप अब अपने रेपो रेट को कम कीजिए, लेकिन काफी समय तक राजन भाई नहीं माने, नहीं। जब तक मुझे ये नहीं लगता कि एकदम स्टेबिलाइज हो रहा है मार्केट, उसके बाद ही ये इन्फ्लेशन एकदम स्टेबिलाइज हो जाए तो फिर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा, और वो चेंजेस अब उन्होंने कल कर दिए। आप देखिए 2014 बाय मंथली हर दो दो महीने में वो अपडेट करते थे अपनी पॉलिसी, पूरा साल तो उन्होंने 8% ही रखा। फिफ्थ मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया गया दिसंबर 2014 में, पर तब भी रेपो रेट था 8%। अब हर दो साल दो महीने में अपडेट करना है तो दिसंबर के बाद कब अपडेट करेंगे, फेब्रुआरी 2015 में, ठीक है। कायदे से उन्होंने अपडेट करना था यहाँ पे इन 2015 फेब्रुआरी, लेकिन कल 15 जनवरी 2015 तब उन्होंने अचानक से इसे कम कर दिया। 8% जो रेपो रेट था उसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती गई तो 7.75 बन गया। इसका कारण क्या, ताकि थोड़ा मार्केट वापस खड़ा हो सके, सेल बढ़े, GDP बढ़े, इस कारण से उन्होंने अचानक से, वरना तो ये 6 फरवरी में ही अपडेट करना था। आप याद ये रखिएगा कि रेपो रेट में बदलाव किए गए वो यहाँ पे, बैंक रेट में भी उन्होंने साथ में बदलाव किए यहाँ पे, कि वो भी 9% से घटा के कर दिया 8.75%। लेकिन इसका और इसका कोई लेना देना यह नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि रेपो रेट प्लस 1% इक्वल्स बैंक रेट, नहीं, वो अलग से अपनी समझ से उन्होंने कम किया है। रेपो रेट के प्लस माइनस वन का रिलेशन किसके साथ है, MSF और रिवर्स रेपो रेट के साथ है। तो ये अपना टेबल यहां तक बना। एक बार वापस रिकैप कर ले जो अब तक हमने पढ़ा। बैंक के पास कुछ पैसा आता है, हम समझे कि NDTL क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, उसके ऊपर कुछ पैसा बैंक ने एक तरफ रख देना है, उसको बोलते हैं CRR। CRR कितना है, 4%। अच्छा मुझे सोच के बताइए, क्या उससे गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस कर सकते हैं, क्या उसे लोन में दे सकते हैं, क्या उस पर प्रॉफिट होगा, नहीं। तो ये अपना हो गया CRR, बात खत्म। फिर हमने पढ़ा SLR, SLR कितना है, 22%। अच्छा इसको कैश में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैश में रख सकते हैं, यस। गोल्ड में रख सकते हैं, RBI अप्रूव सिक्योरिटी में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकते हैं, इस पे प्रॉफिट होगा, यस। तो ये अपना SLR भी क्लियर है। फिर हमने देखा था बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब बैंक RBI किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है या लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा सामने वाले पार्टी को क्या उधारी में कुछ गिरवे रखना है, देयर इज नो कोलैटरल। ये अभी अपना क्या रेट है, 8.75। फिर यहां पे हम पहुंचे थे रेपो रेट पे। रेपो रेट का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में लोन के लिए आपने पैसा जो उस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाए, गिरवे कुछ रखना है, क्या रखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक। अच्छा SLR की मैं कोटा की सिक्योरिटी रख सकता हूँ, नहीं, केवल बैंक वाले ही उधारी में ले सकते हैं क्या, नहीं, ऑल क्लाइंट्स आ रहे लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया अपना रेपो रेट। और फिर उससे थोड़ा आगे चल के हमने देखा था MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यहाँ पे कौन उधारी कर सकता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और फिर माइनर जो डिफरेंसेस थे कि 5 करोड़ 1 करोड़, ये वो 0.75 NDTL, ये वो रिवर्स रेपो रेट, हमने समझ लिया कि रिवर्स रेपो रेट का ये उल्टा होता है। तो बेसिक जो भी पढ़ना था ये आपने कर लिया, तो फिर MCQ में जो भी निकलता है, हाँ। और जो हम अब तक वो टेबल अपडेट कर रहे थे उसमें आप कनेक्ट कर लीजिए इसको उसके साथ, तो फिर जो भी MCQ पूछा जाए बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। CSET 2014, एक बहुत ही आसान सवाल पूछा गया, द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज NDTL आर यूज्ड इन रिलेशन टू, ऑप्शन ए बैंकिंग ऑपरेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, और डी सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स।
क्या जवाब होना चाहिए? बैंकिंग ऑपरेशन। तो कभी कभी ये भी लगता है कि यार अपनी बुद्धि को इंसल्ट किया जा रहा है, इतनी मजूरी क्या जख मारने के लिए हम करके आए। अगर आप ये जब से सीसेट आया है 2011-12-13-14 उसके अगर आप पेपर देखें, जहां तक कि इकोनॉमी का सवाल है बहुत आसान टाइप के सवाल निकलते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, बस बेसिक आपने कर लिया, थोड़े प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट समझ लिए, काम बन गया। और जहां तक मुख्य परीक्षा है हिंदू देख लिया, बजट इकोनॉमिक सर्वे, तो काम अपना बन गया।